हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशा फूड स्पेशल में। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है वेजिटेबल सैलेड बनाने की रेसिपी। तो आइए देखते हैं वेजिटेबल सैलेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वेजिटेबल सैलेड बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 हरी मिर्च मीडियम साइज वाली, एक खीरा, एक प्याज, एक गाजर, 2 टमाटर। यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, ये मैंने घर पे ही बनाया है चाट मसाला। यहाँ पर मैंने लिया काला नमक, काली मिर्च, मेयोनीज, यहाँ पर मैंने ली चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो स्पाइस, धनिया कटा हुआ और काले चने, बॉइल्ड काले चने हैं ये। इसमें मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने सारी वेजीज को कट कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे हमारे काले चने। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, मेयोनीज, यहां पर मैंने आधा नींबू लिया है, आधा नींबू का रस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, मैंने चॉप करके रखा हुआ है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए तैयार हो गया हमारा सैलेड, वेजिटेबल सैलेड। और अब हम इसको सर्व करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए तैयार हो गया हमारा वेजिटेबल सैलेड, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लग रहा है। मैंने इसको डेकोरेट किया है, मैंने इसको कुल्हड़ में डाला है। ये कुल्हड़ मेरे पास थे, एलिफेंट बना हुआ है, देखिए ट्रेडिशनल टाइप का है। और इसमें मैंने इसको सर्व किया है बहुत ही मैड एंगल्स के साथ। आप भी इस तरीके से अपने आए गेस्ट के लिए इस तरीके से सर्व करें और एंजॉय करें सैलेड को अपने फूड के साथ, और ज़रूर बनाएं घर पे, सबको खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।